नमस्कार, मैं हूं दीपिका नयाल और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट के बारे में, जहां पर इस वक्त भाजपा का कब्जा है। साल 2014 में यहां पर बीजेपी के कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेला ने सपा के विशंबर प्रसाद निषाद को 2,66,788 वोटों से हराकर ये सीट अपने नाम की थी। हमीरपुर जिला चित्रकूट धाम बांदा मंडल का हिस्सा है। ये 4,121 वर्ग किलोमीटर में फैला है। हमीरपुर वर्तमान में यूपी का 34वां जिला है, जिसे पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत फंड मिलता है। हमीरपुर की आबादी का 91.46% हिस्सा हिंदू धर्म में, जबकि 8.26% हिस्सा मुस्लिम धर्म में आस्था रखता है। हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र 1967 में अस्तित्व में आया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय में इस जगह भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमीरपुर में प्रति 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं हैं। हमीरपुर की साक्षरता दर 68.77% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 79.76% है और महिलाओं की साक्षरता दर 55.95% है। इस लोकसभा क्षेत्र में यूपी की 5 विधानसभा सीट आती है, हमीरपुर, राठ, मोहाब, चरखारी, तंदवारी, जिसमें राठ विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 1952 से लेकर 1971 तक इस सीट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबदबा रहा है। 1977 में अपनी छठी जीत तलाश रही कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी भारतीय लोकदल के तेज प्रताप ने जीत दर्ज कर फेरा, लेकिन 1980 और 1984 में यहां कांग्रेस जीती, लेकिन 1989 में जनता दल के प्रत्याशी ने इस सीट पर कब्जा किया। 1991 में विश्वनाथ शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी को हमीरपुर में पहली जीत दिलाई। इसके बाद बीजेपी ने लगातार यहां पर 3 बार जीत दर्ज की और 1998 तक ये सीट उसके पास ही रही। 1999 में बसपा प्रत्याशी अशोक चंदेल ने यहां कब्जा किया, तो वहीं 2004 में यहां सपा को लोगों ने चुना था। 2009 में ये सीट बसपा के पास आ गई, लेकिन साल 2014 में इस सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया। कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेला एमपी बने। चंदेला वित्त संबंधी मामलों की स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। मौजूदा लोकसभा में जहां उपस्थिति का राष्ट्रीय औसत 80% है, तो वहीं कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेला की सदन में उपस्थिति 97% है। अब तक उन्होंने 465 सवाल पूछे हैं और 1835 चर्चाओं में हिस्सा लिया है। पुष्पेंद्र चंदेल ने अब तक 23 निजी सदस्य बिल पेश किए हैं। साल 2014 के चुनाव में यहां सपा दूसरे, बसपा तीसरे, कांग्रेस चौथे नंबर पर रही है। बेशक कुंवर पुष्पेंद्र चंदेला की सदन में परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रही है, लेकिन उनकी जीत में मोदी लहर का बड़ा हाथ था। शेयर मार्केट का खेल चलता ही रहता है, इसलिए इस सीट पर भाजपा की जीत काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि यहां कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेला ने कितना विकास कार्य किया है। यहां की जीत और हार में सीएम योगी फैक्टर भी शामिल होगा, क्योंकि इस वक्त राज्य में भाजपा की ही सरकार है। जहां बीजेपी की कोशिश इस सीट को जीतने की होगी, वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल यहां जीतने की हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन इस खेल में बाजी उसी के हाथ लगेगी जिसे जनता का साथ और प्यार मिलेगा, और वो किसके साथ है ये तो चुनाव परिणाम बताएगा।